अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं यूपी लाइव 100 न्यूज। शुरुआत करते हैं इस वक्त की छोटी बड़ी खबरों से। महिलाओं की सुरक्षा के लिए किया गया महिला हेल्प डेस्क का उद्घाटन। महिलाओं की सुरक्षा के लिए किया गया महिला हेल्प डेस्क का उद्घाटन। जलोन जनपद जलोन के विभिन्न थानों में स्थापित महिला हेल्प डेस्क का उद्घाटन किया गया। जलोन कोतवाली और माधवगढ़ कोतवाली में उपस्थित महिला हेल्प डेस्क का उद्घाटन अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अवधेश सिंह ने किया तथा चुरखी थाने में बने महिला हेल्प डेस्क का उद्घाटन क्षेत्र अधिकारी जलोन विजय आनंद ने किया तथा उरई कोतवाली में उपस्थित महिला हेल्प डेस्क का उद्घाटन सीओ सिटी संतोष कुमार ने किया। इन महिलाओं हेल्प डेस्क के महिलाओं को मिलने वाली सुविधा के बारे में जानकारी देते हुए अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अवधेश सिंह ने बताया कि मिशन शक्ति के तहत महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था तथा उनके अधिकारों के बारे में जानकारी देने तथा महिला हेल्पलाइन नंबर से मिलने वाली सुविधा के बारे में जानकारी दी जाएगी तथा उन्हें सम्मान देते हुए उनकी समस्याओं को सुनते हुए संबंधित अधिकारी को इंदौर कर शीघ्रता से निस्तारण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इन हेल्प डेस्क को आधुनिक सुविधा से सुसज्जित किया गया और जैसे लैपटॉप स्मार्टफोन प्रिंटर आदि ताकि महिलाओं से जुड़े मामलों को तत्काल उच्च अधिकारी को अवगत कराया जाएगा और यथासंभव मदद उपलब्ध कराई जाएगी। बाइट महिला अधिकारी की जलोन से जिला संवाददाता कृष्ण कुमार के कुशवाहा की खास रिपोर्ट। आज महिला हेल्प डेस्क का उद्घाटन हुआ। कोतवाली जालौन, आज हमारे यहाँ पर महिला हेल्प डेस्क का उद्घाटन किया गया है जो ये हमारी सरकार द्वारा सभी थानों पर हेल्प डेस्क बनाया गया। यहाँ पर जो भी महिलाएं आती हैं अपने परिवार लेकर उनको निष्पक्ष न्याय दिया जाता है, उनकी सारी समस्याओं को गंभीरता से सुना जाता है। कोतवाली जालौन, आज हमारे यहाँ पर महिला हेल्प डेस्क का उद्घाटन किया गया है जो ये हमारी सरकार द्वारा सभी थानों पर हेल्प डेस्क बनाया गया। यहाँ पर जो भी महिलाएं आती हैं अपनी फरियाद लेकर उनको निष्पक्ष न्याय दिया जाता है व उनकी सारी समस्याओं को गंभीरता से सुना जाता है।